स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में आपको वॉल पैनलिंग के इंस्टॉलेशन के बारे में बताएंगे। वॉल पैनल लगाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी एसेसरीज रखते हैं, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताएंगे। ये हमारा 11x9 का दीवार है, 11 फीट इसकी ऊँचाई है और 9 फीट इसकी चौड़ाई है। वॉल पैनल लगाने से पहले साइड में हमको बिडिंग लगाना होता है, जो कि आपको हम दिखा रहे हैं। 5 फीट यहाँ पे जंगले का चौड़ाई था, इसलिए हमने यहाँ पे 5 फीट बीच में पैनल लगाया है। और साइड में जो 3 फीट का जगह बच रहा है दोनों साइड, वहाँ पे हमने जो है फॉर्म पैनल लगाया है। अगली वीडियो में वो भी आपको दिखाएंगे कि फॉर्म पैनल कैसे लगाया जाता है। तो अभी हम पहले अपनी बीडिंग कंप्लीट कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमको जो है कीली से जो है बीडिंग को रोकना होता है। और ये हमारा PVC पैनल है, मार्बल फिनिशिंग है जो हम इस पर लगाने वाले हैं। आपको जो पैनल लगाना है उसको पहले साइज को नाप लेना है दीवार पे, उसके बाद आपको उसके साइज का पैनल काट लेना है कुछ इस तरीके से जैसे हम यहाँ पे काट रहे हैं। पैनल काटने के लिए आपको पेपर कटर का यूज़ करना है। पैनल को काटने के बाद आपको दीवार पे पैनल को लगाना है और जो बीडिंग हमने लगाई है उस बीडिंग के अंदर पैनल को डालना है कुछ इस तरीके से। और एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो पहला पैनल हो उसको हमेशा सीधा लगाना है। लगाने के बाद आपको जो है कीली से इसको भी जाम कर देना है दीवार पर। और अभी हमारा पहला पैनल लग चुका है, तो नेक्स्ट पैनल आपको अगला पैनल कैसे लगाना है वो भी हम आपको बता देते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पैनल में नाली बना हुआ होता है। दूसरा पैनल जो होगा इसी नाली के अंदर हमको अंदर डालना है, जिससे कि जोड़ का पता नहीं लगता है। तो चलिए अगला पैनल भी आपको लगा के दिखा देते हैं। ये हमारा दूसरा पैनल जो है कट चुका है, इसको अभी हम दीवार पे लगाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर बीडिंग की साइड हम हला लेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो हमारा पैनल था उसके अंदर हमें इस पैनल को डालना है नाली में। और जब आपका पैनल बैठ जाए तो उसी तरीके से इसको भी आपको केली से जो है जाम कर देना दीवार पर। इसी तरीके से आपको सारे पैनल्स को लगाना है। अभी आप देख सकते हैं कि नाली में जाने के बाद यहाँ पर जोड़ का बिल्कुल भी पता नहीं लगता है पैनल हमने लगाया कहाँ से है। और अभी आगे के जो पैनल्स हम लगाएंगे सारे पैनल्स इसी तरीके से लगाया जाता है। और जो हमारा लास्ट पैनल होता है उसको हमें नापना पड़ता है कि ऊपर की साइड कितना चौड़ाई है और नीचे की साइड कितना चौड़ाई है, उसी साइज का हमको पैनल काट लेना होता है। काटने के बाद पैनल के अंदर डाल देना होता है। और जो हमारा लास्ट पैनल होता है उसको रोकने के लिए हमें किसी प्रकार के कीली या स्क्रू की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप चाहें तो फेविक्विक का यूज कर सकते हैं। अभी हमारा ऊपर के साइड का जो पैनल था वो कंप्लीट हो चुका है, उसका लुक आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है देखने में। और अभी हम जो जंगले के नीचे के साइड का है उस पर हम पैनल लगाएंगे, तो सबसे पहले उसका साइज ले लेना है कि उसका साइज कितना है, कितना लगेगा, उसके बाद उस साइज का हमें पैनल काटना है और सेम इसी तरीके से हमको पैनल लगाना भी है।
और अभी हमारा पैनल लग चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं कैसा लग रहा है। बगल में जो हमने बात किया था कि इसके साइड में 3-3 फीट फॉर्म पैनल लगाने वाले हैं, तो उसको भी आपको दिखा देते हैं कि फॉर्म पैनल हमारा कुछ इस तरीके से है, गोल्डन कलर का, और ये डायमंड डिजाइन का है 3D शेप में, और इसको हम आपको जूम करके भी दिखा देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि फॉर्म पैनल कैसे लगता है, लगने के बाद कैसा दिखता है। तो अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें।